जय हिंद गाइस। एक तरफ है भारत के खतरनाक स्पेशल फोर्स मार्कोस, जिन्हें मरीन कमांडोज के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ है भारतीय ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्हें एनएसजी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों कमांडोज में से कौन से कमांडो को किस परिस्थिति में डिप्लॉय किया जाता है, और दोनों ही खतरनाक कमांडो में कौन बेहतर है। एयर डिफेंस का आज किस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और एनर्जेटिक होने वाला है। मार्कोस कमांडोज जो इंडियन नेवी के एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। भारत में कुल 3 स्पेशल फोर्स यूनिट है, इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज, इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज और इंडियन नेवी के द मार्कोस कमांडोज। मार्कोस को मरीन कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट है। मार्कोस कमांडोज का स्थापना 1987 में किया गया था। ये फोर्स भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। एट द सेम टाइम एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द ब्लैक कैट कमांडोज को 1984 में बनाया गया था। और एनएसजी के ये ब्लैक कैट कमांडोज सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के खतरनाक कमांडो के लिस्ट में आता है। एनएसजी भारत के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। एनएसजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप में इंडियन आर्मी से जवानों को रिक्रूट किया जाता है एनएसजी के लिए, और स्पेशल रेंजर ग्रुप में स्टेट पुलिस और सीएपीएफ के अंडर में आने वाली फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसे फोर्स से एनएसजी के लिए रिक्रूट किया जाता है। वहीं पर अगर आप मार्कोस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इंडियन नेवी का पार्ट बनना होगा। इंडियन नेवी से सोल्जर्स वॉलंटियर करते हैं द मार्कोस कमांडोज के लिए। अब इन दोनों के काम करने के तरीके में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर बात करें द वन एंड ओनली मार्कोस कमांडोज की, तो भारत के अलग अलग हिस्से में वेदर अलग अलग होता है। इन कमांडोज को भारत के वेदर और जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये हर एक सिचुएशन में, हर एक वेदर में या फिर हर एक जियोग्राफिकल कंडीशन में लड़ने के लिए और मारने के लिए तैयार रहते हैं। मरीन कमांडोज के ज्यादातर काम को अंडर कवर रखा जाता है, यहाँ तक कि इनके कमांडोज भी अंडर कवर होते हैं। अब क्योंकि मरीन कमांडोज इंडियन नेवी का हिस्सा है, इसीलिए सामुद्रिक इलाकों पर भारत के दुश्मनों को रोकना और उन्हें ठोकने के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है। गहरे समुद्र में किए गए स्पेशल ऑपरेशन और वेरी वेरी टफ सिचुएशन में दुश्मनों के इलाके पर घुसकर उन्हें खत्म करना इनका मुख्य काम है। बाहरी देश से आने वाले आतंकवादी और दुश्मनों को देश में घुसने से रोकना और ऑपरेशंस के माध्यम से उन्हें ठोकना ही इनका मुख्य काम है। वहीं पर एनएसजी का नाम ही इसके काम के बारे में बहुत कुछ बताती है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे देश में कहीं पर भी आतंकवादी हमले हो, चाहे हाईजैकिंग हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्टिंग जैसे सिचुएशन को हैंडल करना हो, उस टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और आतंकवादी को खत्म करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है एनएसजी या फिर ब्लैक कैट कमांडोज को। देश के अंदर चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे मुंबई में हो, एनएसजी के कमांडो देश के अंदर की सुरक्षा के लिए हर जगह पर मौजूद है। यहाँ तक कि एनएसजी को कभी कभार हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाता है। जैसे इन दोनों कमांडोज की जॉब्स अलग अलग होती है, वैसे ही इनकी ट्रेनिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। मार्कोस की ट्रेनिंग इस दुनिया की सबसे ज्यादा कठिन और टफेस्ट ट्रेनिंग माना जाता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट है 90%। इसीलिए कहा जाता है कि 10,000 आम आदमी में से सिर्फ एक मार्कोस कमांडो निकलता है। तीन कमांडोज को गहरे समुद्र के तल तक कूदकर ऑपरेशन को अंजाम देने की एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटली और फिजिकली हर एक तरह के सिचुएशन को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपने ट्रेनिंग के दौरान हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जंगल वॉरफेयर, सी वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, वेपन हैंडलिंग और ऑपरेटिंग जैसे हजार तरह के टेक्निक्स में इन्हें ट्रेंड किया जाता है। अपने ट्रेनिंग और सिचुएशनल ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान ये कमांडोज इंसानी लेवल को पार कर जाते हैं। इंसान की एफिशिएंसी की पीक लेवल पर होते हैं मार्कोस कमांडोज, इससे ऊपर की एफिशिएंसी इंसान में हो ही नहीं सकता। मरीन कमांडो की ट्रेनिंग में एक बहुत मुख्य पार्ट होता है हेल वीक, और इस हेल वीक में कमांडोज को लगभग दिन में 18 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के टफ ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने के बाद बनता है एक मार्कोस कमांडो। वहीं पर एनएसजी कमांडोज को काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी हाईजैकिंग और काउंटर टेररिज्म में मास्टरी को अचीव करवाया जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट और अर्बन वॉरफेयर में एनएसजी कमांडोज ट्रेंड होते हैं। इनके काम के अकॉर्डिंग इनकी ट्रेनिंग होती है। देश के अंदर की सिचुएशन देश के कंट्रोल में होता है, लेकिन देश के बाहर की सिचुएशन देश के कंट्रोल में नहीं होता है,
इसीलिए मार्कोस की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे ज्यादा टफ ट्रेनिंग माना जाता है। एनएसजी और मार्कोस भले ही दोनों फोर्सेस को कमांडो कहा जाता है, लेकिन मार्कोस एक स्पेशल फोर्स है। वहीं पर एनएसजी कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, एनएसजी एक कमांडो यूनिट है और एनएसजी की ट्रेनिंग भी मार्कोस की तरह टफ नहीं होता है। एनएसजी इज अ सिचुएशनल कमांडो यूनिट। देश के अंदर होने वाले आतंकवादी हमले से निपटने के लिए या फिर देश के अंदर होने वाली किसी भी आपदा को रोकने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। देश के अंदर किए गए ऑपरेशन में सरकार एनएसजी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जैसे मुंबई ताज होटल के हमले के वक्त जब एनएसजी को डिप्लॉय किया गया था, वहां पर एनएसजी को पूरी ताज होटल की ब्लूप्रिंट मैप दिया गया। कहां आतंकवादी बैठे हुए हैं, होटल में कहां एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, कहां से कमांडोस अंदर घुसेंगे, कहां पर आतंकवादियों को ठोका जाएगा, एक तरह से प्लानिंग करके कमांडोस ऑपरेट किए थे। लेकिन मरीन कमांडोस का जॉब जरूरी नहीं कि हर वक्त देश के अंदर हो सकता है देश से बाहर सामुद्रिक इंटरनेशनल बॉर्डर पे या फिर किसी दूसरे अनजान देश में इन्हें ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। तो मार्कोस कमांडोस के पास उस देश के कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं होता है। दुश्मन कहां बैठा हुआ है, उनके पास क्या हथियार है, क्या ट्रेनिंग है, उनके बारे में मार्कोस को नहीं पता। बॉर्डर के उस पार कितने आतंकवादी है, आतंकवादी की घाटी कितनी बड़ी है, कुछ राइट इंफॉर्मेशन उनके पास होता ही नहीं है। कमांडोज फिर भी अंदर घुसते हैं और दुश्मनों को ठोकते हैं, क्योंकि इन्हें हर तरह के सिचुएशन के लिए ट्रेंड किया जाता है। मार्कोस और एनएसजी दोनों ही कमांडो है, लेकिन मार्कोस इज अ स्पेशल फोर्स, ये आपको दिमाग में डाल लेना चाहिए। स्पेशल फोर्स ये नाम ही अपने आप में एक डिस्क्रिप्शन है। दोनों ही कमांडोज अपने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से इस देश में निभाते हैं, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही कमांडोज इस देश के लिए हमारे लिए जान देने और लेने से पहले दोबारा नहीं सोचता है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।